हमीरपुर में हुआ विधानसभा उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशी मैदान में थे, अब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और परिणाम 27 सितंबर को सामने आएगा। हमीरपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव संपन्न हुआ। सुबह से शुरू होकर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। आपको बता दें कि मैदान में कुल 9 प्रत्याशी थे। हमीरपुर सीट अशोक चंदेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी के युवराज सिंह, कांग्रेस के हरदीपक निषाद, समाजवादी पार्टी के मनोज प्रजापति, बीएसपी के नौशाद अली और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आलम मंसूरी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान का परिणाम 27 सितंबर को सामने आएगा। हाल ही में हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित था, कई इलाकों में जलभराव बाढ़ की परेशानी थी, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं में जोश देखने को मिला। प्रशासन ने मतदान को लेकर पुख्ता तैयारियां की थी। हमीरपुर में शाम 5 बजे तक 45.04% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों का उत्साह देखने को मिला। असद, भारत समाचार, हमीरपुर। बढ़ते आगे, सिद्धार्थनगर में